अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। तो अगर तुम लोग बिना सब्सक्राइब किए मैं व्लॉग देख रहे हो तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, फॉलो कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन के बटन को भी टर्न करके प्रेस कर दो। तो गाइस यूसुफ भी मेरे साथ है, वो आज जा रहे हैं वाइट कपड़े पहन के। इसको मैंने वाइट पहनाया खुद, मैंने ब्लैक, ग्रीन और वाइट तीनों कलर मिक्स किए हैं मैंने। तो अब इसका मतलब भी तुम लोग समझ रहे हो कि मैंने तीनों कलर मिक्स क्यों किए। और यूसुफ ने समझ रहे हो ना। तो हम जा रहे हैं 14 अगस्त पर। A few moments later. So guys, गीता जो है हम लोग पहुंच चुके हैं आज के, और ये सब ऐसे मुड़ चुका है जैसे इससे किसी का उधार देना हो। इस वजह से ये मुड़ चुका है, अब इसे उधार दिया। Guys, check weather. मौसम देखो कितना प्यारा, अल्लाह ताला ने किया ऐसा हसीन मौसम है। और इस हसीन मौसम में भाई बाहर बंदा ना निकले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। शुक्र गाइस के डेकोरेशन हल्की बहुत हुई हुई, और यहाँ पर जो है फ्लैग्स वगैरह लगे। नहीं तो मुझे लगा था कि मैं भाई 14 अगस्त जो है यहाँ मनाने आ गई हूँ। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, यार मेरे पीछे व्यू कितना प्यारा लग रहा है यार, अमेजिंग। अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, और देखते हैं कि कितनी कोई और डेकोरेशन हुई हुई है। भाई कितना शगुफा पसंद है शगुफा, इसमें ये गाना लगाऊं मैं सारी उम्र में जोकर सा बन आया, मैं जोकर जा बन आ रहा। सो गाइस फाइनली कितनी प्यारी डेकोरेशन आई है यार, कितनी हसीन लग रही है, मतलब अमेजिंग। और ये बैलून्स, काश मेरा हाथ में होता एक उतारी लेती। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गाइस आज जो है मैं तुम लोगों के साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैंने भी थोड़ी बहुत देखी पढ़ी। मैंने कहा भाई अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया जाए, क्योंकि दिन ऐसा है 14 अगस्त का, और 14 अगस्त के दिन ऐसी पाकिस्तान की हिस्ट्री ना बयान की जाए तो फिर कोई उसका फ़ायदा नहीं है। 13 अगस्त को रात 11:59 में मुस्तफ़ा अली हमदानी ने पाकिस्तान बनने की खबर लाहौर से रेडियो में दी थी। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हमारे कायदे आजम थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान बने थे। पाकिस्तान का पहला कैपिटल कराची था, जो कि अब के इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस सर सैयद अब्दुल रशीद थे। पाकिस्तान का फ्लैग जो कि हमारा इतना प्यारा झंडा है, वो सैयद आमिरुद्दीन ने डिज़ाइन किया था। पाकिस्तान का नेशनल एंथम हफीज़ जलंधरी ने लिखा था। 1947 में जो पाकिस्तान है यूएन का मेंबर बन चुका था। 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जो कि पाकिस्तान का पहला बैंक था। 1948 में पाकिस्तान की फर्स्ट फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम तेरी याद रखा गया था। 1952 में बलोचिस्तान के एक एरिया सुई गैस को दरियाफ्त किया गया था, जिसे आज हम सुई गैस कहते हैं। 1954 में उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनी थी। इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत कुछ हुआ था, और बहुत टाइम बाद जो है उर्दू पाकिस्तान की जो है नेशनल लैंग्वेज बन चुकी थी। 1955 में PIA जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट एयरलाइन है, जो कि अभी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, उसका जैसे वो पहले थी वैसे अब नहीं रही, उसको लॉन्च किया गया था। 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा और जनरल अयूब खान प्रेसिडेंट बन गए। 1960 में पाकिस्तान ने अपना पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता, जो कि आज हमारा अरशद नदीम भी जीत कर आया, और पाकिस्तान का जो सर है वो फ़खर से बुलंद कर कराया। और 1967 में इस्लामाबाद, जो कि अब पाकिस्तान का कैपिटल है,
वो बन चुका है। सो गाइस, ये हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, और अगर अभी देखा जाए तो हमारा इतना प्यारा, इतना खूबसूरत झंडा, इस पर जो आजकल हो रहा है, जो कि काले लोग हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं, मतलब इस तरह की हुकूमत हमारे पाकिस्तान में नाजिल हो चुकी है कि पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल बदल के रख दिया। जो कि 1947 में पाकिस्तान था, अब वो पाकिस्तान नहीं रहा, और मैं इस पर यही कहूँगी, फ्री पाकिस्तान। आप लोगों को सबको मालूम है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं, और किस नजरिए पे ये इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्याल दे चुके हैं, जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लियामानी जमहूरियत कायम होगी। ये वोट आपके हाथ में अमानत है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ना कि कोई और चीज के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादतगाहों, मस्जिदों। पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है। हमारी पहचान पाकिस्तान है, हमारी शनाख्त पाकिस्तान है। आज लोग कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, पाकिस्तान ने हमें क्या नहीं दिया। हमारी जितनी भी आबरू है इस वतन की वजह से, इस मिट्टी ने हमें शनाख्त दी, इस मिट्टी ने हमें पहचान दी, और हम अपना आखिरी मदफन भी इस मिट्टी में चाहते हैं। ऊपर जो है हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर मैंने आके देखा है तो अभी उस तरह से जो है सारे मर्द वगैरह बैठे हुए, लेकिन इतना प्यारा मौसम हो रहा है, कितनी प्यारा बने यहाँ पर बैठे, मुझे तो नींद भी आ रही है वह मौसम देखकर। और ये यहाँ पर फ्लैग वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर मैं तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हूँ, देखो। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपना ऑर्डर मंगवा लिया, और देखो कितना प्यारा इन लोगों ने जो है वो ये पैकेट जो है वो बना लिए। आज़ादी की असल सेलिब्रेशन चीज़ें, लेकिन जो है वो कमी तो नहीं की उसमें, डिस्काउंट तो कोई नहीं किया, लेकिन ये बड़े मज़े का बना हुआ है चक्कर। उड़ी उड़ी मैं उड़ी उड़ी जा रही हूँ, तो बहुत शुक्र तुम लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, घर जाके ब्लॉग को एंड करते हैं। गाइस घर जो है मैं आ चुकी हूँ, बहुत शुक्र तुम लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया, और इतने हसीन मौसम के साथ तो यार बाहर जाने का अलग ही मजा है। तो मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।